नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सबसे बड़ा लुटेरा। सबसे बड़ा लुटेरा, कथानक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप, संपादक मनीष चंद्र गुप्त। विश्वजीत नगर का राजा विश्वजीत, जिसकी प्रबल इच्छा थी कि दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानी अस्तित्व है वहाँ केवल उसी का राज हो। दुनिया को जीतने की प्रबल इच्छा मन में लिए उसने न जाने कितने युद्ध लड़े। रणभूमि से कोई भी बचकर न जाने पाए, सबको कत्ल कर दो। नहीं, उसने कितने ही मासूम एवं निर्दोष लोगों का रक्त बहाया। हा, प्रजा की उस धन संपत्ति को पानी के समान बहाया गया जिस पर केवल प्रजा का ही हक था। जितना चाहे धन राजकोष से निकाल लो सेनापति, किंतु हथियारों की खरीद में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वह अंतर हमारी जीत के अंतर को बढ़ा देगा। और जिसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन उत्तरा राज्य धन धान्य से भरपूर है सेनापति, हमें इस युद्ध में किसी भी कीमत पर विजय प्राप्त करनी है। राजकोष से धन निकाल कर केवल हथियारों पर व्यय करो। अरे तुम खामोश क्यों खड़े हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? सेनापति मूलराज मूर्तिवत खड़ा रहा। यह देख राजा विश्वजीत को क्रोध आने लगा। सेनापति, हमारी अवज्ञा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ रही है? हम कहते हैं हमारे आदेश का पालन हो। सेनापति मूलराज एकाएक बेहद गंभीर हो उठा, फिर बोला, गुस्ताखी माफ हो महाराज, लेकिन यह हकीकत है कि अब हम और अधिक समय तक युद्ध जारी नहीं रख सकते। क्या? इतना सुनते ही राजा विश्वजीत का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। सेनापति मूलराज, लगता है अब इस पद पर कार्य करने की इच्छा समाप्त हो चुकी है तुम्हारी। राजा विश्वजीत ऐसे मायूसी भरे सवाल जवाब सुनने का आदि नहीं है। हमारे जीवित रहते यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब हमारी विजय पताका उत्तरा राज्य के किले पर फहराएगी। किंतु महाराज, सारा राजकोष खाली हो चुका है। क्या? हमारे हजारों सैनिक रणभूमि में शहीद हो गए हैं, हथियार समाप्ति पर हैं। नहीं, अब भी अगर युद्ध जारी रखा गया तो पराजय निश्चित है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि दुश्मनों की एक और खेप बड़ी सेना व हथियारों के साथ रणभूमि की ओर कूच कर चुकी है। उफ, तुमने हमें यह सब सूचनाएं पहले क्यों नहीं दी सेनापति? उफ, तो क्या अब हम युद्ध हार जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा विश्वजीत की सेना रणभूमि से कभी खाली हाथ नहीं लौटी। अचानक कुछ सोचते सोचते राजा विश्वजीत का चेहरा हीरे के समान चमकने लगा। वाह, यही रास्ता है, केवल यही एक। सेनापति मूलराज, आज्ञा दीजिए महाराज। नगर के सेठों की तिजोरियों पर डाके डलवाओ। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? हमारे आदेश का पालन हो सेनापति, और यह कार्य तुरंत ही आरंभ हो जाना चाहिए। हम किसी भी कीमत पर युद्ध जीतना चाहते हैं। और ध्यान रहे, किसी को कानों कान खबर न हो कि यह कार्य हमारे ही आदेश पर हो रहा है, अन्यथा तुम्हारी जान की खैर नहीं। जी, अब जाओ। सेनापति मूलराज के वहां से जाते ही, हा, राजा विश्वजीत कभी युद्ध नहीं हारेगा। इधर राजा के सैनिक रणभूमि में अपने प्राणों पर खेल कर जीत के प्रयास कर रहे थे। आह, उफ। जबकि दूसरी ओर संध्या के समय भेष बदले हुए राजा के ही सैनिक नगर के सेठों के घरों की ओर आंधी के समान बढ़ रहे थे। चलो, तूफान के समान वे नगर की सीमा में दाखिल हुए। अरे डाकू, उनका हुलिया देखते ही प्रजा में खलबली मच गई। अरे डाकू, डाकू आ गए, भागो। डाकू, डाकू! पलक झपकते ही बाजार में डाकुओं का आतंक फैल गया। भागो, डाकू आ गए, भागो! आह, आई! अपने प्राणों की रक्षा के लिए जिसे जिधर जगह मिली वह भागा चला गया। कुछ ही देर में बाजार सुनसान पड़ गया। डाकू दल एक सेठ की दुकान पर धावा बोल चुका था, लूट लो, सारी तिजोरी खाली कर लो। नहीं! यह देख सेठ ने चीख कर अपने आदमियों को आदेश दिया, इनका मुकाबला करो कमबख्तो, जाओ। सेठ के सुरक्षा कर्मी मुकाबले के लिए आगे बढ़े, लेकिन शीघ्र ही, आह आह! और नहीं, यह मेरी खून पसीने की पाई पाई करके जोड़ी गई कमाई है, इसे मत लूटो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। अबे पीछे हट, लूट लो तिजोरी को, यह सारा धन केवल संग्राम का है। सारा कीमती सामान बटोरने के पश्चात महाजन चुन्नी लाल के घर की ओर चलो। चुन्नी लाल के घर पहुंचने के पश्चात, सरदार दरवाजा तो बंद है, खोलने के रास्ते भी हमारे पास हैं, आग लगा दो दरवाजे को।
एक डाकू ने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजे पर रखी मशाल उठाई और फिर दरवाजे पर आग लगा दी। जबकि भीतर, हे भगवान, जलकर दरवाजे के क्षीण होते ही धड़ाम, तिजोरी की चाबी ला महाजन, देता हूँ, सारी तिजोरी खाली कर लो, हा हा हा, यह सारा धन संग्राम का है, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। उस शाम कई नगर सेठों की तिजोरियां खाली हुई, लूट लो, हा हा हा, संग्राम सबसे बड़ा नगर सेठ होगा, हा हा हा, इधर ला, यह हीरों का हार, नहीं, उफ। उसी रात महल के एक विशेष कक्ष में संग्राम यानी स्वयं सेनापति मूल राज ने महाराज को यह सूचना दी। बधाई हो महाराज, हमारा प्रथम लूट अभियान सफल रहा है, यह रही आज की लूट की सारी दौलत। वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं सेनापति, युद्ध जीतने के पश्चात उत्तरा राज्य का ताज तुम्हारे मस्तक शोभायमान होगा। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार करूंगा महाराज। लेकिन सेनापति, इतनी दौलत हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत कम है, इसलिए धन प्राप्ति के लिए तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े बड़े धनवानों को अपना शिकार बनाना होगा। गुस्ताखी माफ हो, तो एक बात कहूँ महाराज? अवश्य कहो। महाराज, इस तरह छोटे बड़े सेठों को लूट कर हम बहुत अधिक धन एकत्र नहीं कर सकेंगे। मेरे मस्तिष्क में एक योजना है जिससे विशाल खजाना एकत्र किया जा सकता है। सुप्त ज्वालामुखी पहाड़ी पर जो कृष्ण का मंदिर है, उसके कपाट वर्ष में केवल 3 दिनों के लिए ही भक्तों के दर्शनों के लिए खुलते हैं। भगवान के दर्शनों के लिए सैकड़ों लोग मंदिर आते हैं। इन 3 दिनों में करोड़ों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है और न जाने कितने मन सोना चांदी हीरे जवाहरात भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। मेरी इच्छा पूर्ण करो प्रभु, यह भेंट स्वीकार करो, ईश्वर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे बालक। दर्शन के 3 दिनों पश्चात कपाट बंद होने पर संपूर्ण चढ़ावे को मंदिर के गर्भ में बने तहखाने में रखवा दिया जाता है। फिर साल भर सन्यासी मणि बाबा, जिन्होंने मंदिर की नींव रखवाई थी, उस चढ़ावे से 3 दुखियों की सेवा सुश्रय में लगे रहते हैं। यह ले जाओ, भगवान कृष्ण तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। जवाहरात, अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मैं खेती के लिए नए बैल व जमीन खरीद सकूंगा। और इस प्रकार वह धन बांटा जाता है, मगर कभी भी कोई गलत भावना से धन प्राप्ति के लिए वहां नहीं जाता। इस प्रकार खजाने का भंडार कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि और बढ़ता ही जाता है। इतना सब सुनते सुनते राजा विश्वजीत की आंखों में लोमड़ी की सी चमक आ गई। वे बोले, और अब तुम चाहते हो कि वह खजाना हमारे राजकोष की शोभा बढ़ाए, जिससे कि युद्ध के लिए हमें हथियारों की कोई कमी ना हो। जी महाराज, और हमारे भाग्य से कल ही मंदिर के कपाट बंद हुए हैं, यह तो शुभ समाचार है। जाओ सेनापति, उस मंदिर के खजाने को लूट कर शीघ्र हमारे सम्मुख पेश करो। गुस्ताखी माफ महाराज, इस कार्य के लिए अब आपको कष्ट करना होगा, क्योंकि मंदिर के कपाट अब केवल आप ही के लिए खुल सकते हैं, बाकी सब कार्य आप मुझ पर छोड़ दें। ओह, और अगले दिन प्रातः ही, ओह, यह तो महाराज विश्वजीत पधार रहे हैं कुछ ही देर में। प्रणाम मणि बाबा। प्रणाम राजन, आइए पधारिए। पहाड़ी की पिछली दिशा से सेनापति अपने दल के साथ मंदिर के पिछवाड़े पहुंच चुका होगा, अब देर नहीं करनी चाहिए। तभी राजा विश्वजीत के साथ आए सैनिकों में से एक बोला, महाराज भगवान के दर्शन करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं बाबा, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजा भी तो भगवान का रूप होता है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता है, वह किसी भी समय मंदिर में आ सकता है। मैं अभी मंदिर के कपाट खोलता हूँ। कपाट खुलते ही सेनापति को आक्रमण करना है। मणि बाबा ने मंदिर के कपाट खोल दिए और तभी सेनापति मूल राज ने संग्राम के रूप में मणि बाबा पर आक्रमण कर दिया। खचाक, आह, दर्द से कराहते हुए मणि बाबा मंदिर के प्रांगण में गिर पड़े। आह, अब कोई यह बताने वाला भी नहीं रहेगा महाराज कि खजाना कहाँ गायब हो गया। दुष्ट नीच पापी राजा, भगवान के दर्शन के बहाने तू उसका मंदिर लूटने आया है। अरे कपटी, ईश्वर तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, तू इस युग का सबसे बड़ा लुटेरा है। आह, मैं तुझे शाप देता हूँ राजा विश्वजीत, यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आह, और इतना कहते ही मणि बाबा निष्प्राण हो गए। मणि बाबा के मृत्यु के साथ ही मानो धरती हिल उठी, आकाश रो पड़ा। ओह, रह रहकर बिजली कड़कने लगी, तेज वर्षा होने लगी। यह देख सेनापति जल्दी से बोला,
महाराज, लगता है तूफान आने वाला है। हमें शीघ्र ही खजाना निकालकर यह जगह छोड़ देनी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, मौसम का मिजाज अच्छा मालूम नहीं पड़ता। सेनापति के कहने पर सब मंदिर में प्रवेश कर गए। राधा कृष्ण की इस मूर्ति के नीचे से ही तहखाने तक जाने का रास्ता है। मैं मूर्ति घुमाता हूँ। ओह, जल्दी करो सेनापति। मूर्ति घुमाए जाते ही तहखाने तक जाने का रास्ता बन गया और सभी सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगे। उफ, यह तो मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक निकला महाराज। इतना विशाल खजाना तो कभी हमारे राजकोष में भी नहीं रहा सेनापति। इस खजाने से तो हम न जाने कितने युद्ध और लड़ने में सक्षम हो गए हैं। नीचे पहुंचने पर खजाने को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक तभी भीषण गड़गड़ाहट के साथ तहखाने की दीवार से एक बड़ा पत्थर नीचे गिर पड़ा। ओह, लगता है यह मंदिर अब नहीं बचेगा। देर करना उचित नहीं, जल्दी से इस सारे खजाने को तहखाने से बाहर निकालकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे धकेल दो। मंदिर ढहने से पूर्व जितना खजाना निकाल सकते हो निकाल लो, जल्दी करो मूर्खो। आनन फानन में ही सभी सैनिक खजाने की पेटियों पर टूट पड़े। जल्दी जल्दी करो। लेकिन तहखाने से खजाने की अपनी पहली ही खेप बाहर आ पाई थी कि तभी ओह, धरती हिलने लगी है। उफ, तब तक सेनापति पुनः भीतर तहखाने में जा चुका था। लगता है बहुत भयानक भूकंप आने वाला है। हमें यहाँ से तुरंत निकल पड़ना चाहिए, अन्यथा हम सब की कब्रें यहीं बन जाएंगी। तुम ठीक कहते हो लखन, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलो, सहसा राजा विश्वजीत कंठ फाड़कर चीख उठे। खामोश, हमारी आज्ञा के बिना कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। अभी बहुत सा खजाना तहखाने से निकालना बाकी है मूर्खो। याद रखो, अगर यह सारा खजाना हमारे हाथ लग गया तो राज्य के साथ ही तुम सबकी भी काया पलट करके रख देंगे हम। मूर्ख मत बनो, जल्दी से तहखाने में चलो। भागो, मंदिर की सीढ़ियों पर दरार आ गई है। यह देख सभी सैनिक भयभीत हो वहां से भाग खड़े हुए और राजा विश्वजीत चीख पड़े, रुक जाओ मूर्खो, खजाना छोड़कर मत जाओ। हमें खजाने से अधिक अपनी जान प्यारी है। खजाने के लालच में पागल हुआ जा रहा राजा विश्वजीत स्वयं पुनः तहखाने की ओर लपका। लेकिन मैं हाथ में आया इतना बड़ा खजाना इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं और सेनापति मिलकर सारा खजाना तहखाने से निकाल लेंगे। और वह तेजी के साथ तहखाने की सीढ़ियां उतरता चला गया। इधर बाहर मंदिर की सीढ़ियां उतर रहे सैनिकों पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर गिरने लगे। आह, हाय, मरा, आह, बचाओ। उधर तहखाने की सीढ़ियों से सेनापति मूलराज अभी ऊपर चढ़े थे कि ओह, उफ। दूसरे ही पल खजाने से भारी पेटी सेनापति के सिर पर आ गिरी और अरे, यह तो मर गया। मुझे अब देर न करके इस तहखाने से निकल जाना चाहिए। मगर अभी उसने प्रथम सीढ़ी पर ही कदम रखा था कि तभी भर भराती हुई तहखाने की सीढ़ियां टूटकर नीचे गिर पड़ी। नहीं, यह देख राजा विश्वजीत बुरी तरह से भयभीत हो उठा। उफ, तहखाने से निकलने का एकमात्र मार्ग ध्वस्त हो गया, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अभी वह कोई रास्ता सोच भी ना पाया था कि तहखाने की छत का वजन संभाले खड़ा खंभा एक धमाके के साथ टूटकर उस पर गिरने लगा। उफ, राजा तुरंत सिर पर रखी पेटी एक और उछालकर स्वयं भी एक तरफ कूद गया। तभी छत भर भराकर नीचे गिरने लगी। नहीं, और यही वह क्षण था जब राजा के कानों में मणि बाबा की ध्वनि गूंजने लगी। यह खजाना 7 जन्मों तक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। नहीं, मृत्यु के ख्याल मात्र से ही राजा चीख उठा। नहीं, बचाओ मणि बाबा, मुझे क्षमा कर दो। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उसकी चीखें दीवार से टकराकर लौट गई। ठीक उसी क्षण भयानक भूकंप से धरती बुरी तरह से डगमगा उठी। संपूर्ण मंदिर एक तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। धड़ाम, पहाड़ियां तेज आवाज के साथ टूट टूट कर गिरने लगी और उन्हीं आवाजों में ही दम तोड़ चुकी थी राजा विश्वजीत की आवाज। उधर भयानक भूकंप की भेंट चढ़कर पूरे विश्वजीत नगर का नामो निशान मिट चुका था। सावधान, पुरातत्व विभाग खुदाई पर है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुदाई में मिली राधा कृष्ण की ये मूर्तियाँ सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली ही हैं, जिसे खंडर बनाने में राजा विश्वजीत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मूर्तियाँ सुप्त ज्वालामुखी मंदिर वाली हैं, यह तो मैं भी जानता हूँ निखिल, लेकिन राजा विश्वजीत के विषय में तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। तुमने अभी जो कहानी सुनाई है उससे ऐसा लगता है
जैसे तुम स्वयं इसके लेखक रहे हो। इन मूर्तियों को देखने के बाद न जाने मुझे क्या हो गया है, मुझे खुद नहीं पता कि राजा विश्वजीत के विषय में मैं इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ, जितना कि इतिहास लिखने वाले भी नहीं जानते। तभी खुदाई कार्य में लगा एक मजदूर चीख पड़ा, साहब साहब यहाँ आइए, यहाँ कुछ सीढ़ियाँ दिखाई पड़ रही हैं। सीढ़ियाँ, चलो देखते हैं। निखिल और टोनी शीघ्रता के साथ उस मजदूर के निकट पहुँचे, जबकि सीढ़ियाँ देखते ही निखिल के मुँह से अनायास ही निकला, ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं टोनी। मंदिर की सीढ़ियाँ? हाँ, भूकंप के क्षणों में राजा विश्वजीत ने खजाने के कुछ बक्से मंदिर से इन्हीं सीढ़ियों पर लुढ़कवा दिए थे, ताकि वह उस धन से हथियार खरीद कर युद्ध लड़ सके। अगले ही पल उत्साहित से निखिल ने मजदूर को आदेश दिया, तुम नीचे की ओर खोदो। अच्छा साहब। हमें सीढ़ियों की समाप्ति पर राजा द्वारा निकलवाया गया खजाना मिल सकता है टोनी। खजाना? तभी खुदाई करते मजदूर के मुंह से एकाएक डरावनी चीख निकल गई। आह, क्या हुआ, तुम चीख क्यों पड़े? खोपड़ियां साहेब, एक कंकाल भी है। दोनों तुरंत उस स्थान के निकट पहुंचे। उन खोपड़ियों व कंकालों को देखते ही निखिल के मुंह से निकला, ये मेरे सैनिक थे टोनी, जो मृत्यु के भय से मेरा साथ छोड़कर भाग गए थे, लेकिन सीढ़ियों पर ही इनकी कब्रें बन गई होंगी। मेरे सैनिक? और खोदो दीना, घबराओ नहीं, ये खोपड़ियां और कंकाल तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकते। खोदो, आज तुम्हें ढेर सारा इनाम मिलने वाला है। इनाम? जो हुक्म साहब। और फिर ठीक दो घंटे पश्चात, नीचे कुछ है साहब? हाँ, खजाने की पेटियां होंगी, मिट्टी हटाओ, जल्दी करो मूर्खो। टोनी, तुम भी मदद करो। कुछ ही देर में ऐसे ही और संदूक भी होंगे, तुम खुदाई जारी रखो दीना, इसे खोलकर तो देखो निखिल। टोनी की मदद से निखिल ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। उफ, सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात, जेवर, अभी तो आंखें फटी हैं तुम्हारी, बाकी संदूकों को देखकर शायद तुम्हारा हार्ट ही फेल हो जाए। फिर एक घंटे के अथक प्रयास के बाद, हा हा हा, आखिर मैं उस धन को पाने में कामयाब हो ही गया। निखिल, क्या हो गया है तुम्हें? निखिल के चेहरे के बदलते भाव देखकर टोनी बुरी तरह चौंक पड़ा था। सेनापति मूलराज, देखो, हम उस धन को पाने में कामयाब हो गए हैं। जाओ, अब बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी करो, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं रही। हा हा हा। निखिल की हालत देखकर टोनी ने चीखते हुए उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। निखिल, होश में आओ निखिल, क्या बके चले जा रहे हो? हाँ, ओह, मुझे क्या हो गया था? तुम सेनापति मूलराज का नाम लेकर पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। मूलराज? यह तो राजा विश्वजीत के सेनापति का नाम है। वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि विश्वजीत के सेनापति का नाम तुम्हारे मुँह से क्यों निकल पड़ा? कहीं कहीं तुम ही तो पिछले जन्म में राजा विश्वजीत नहीं थे निखिल? जरूर ऐसा ही है, तभी तुम राजा के विषय में इतना कुछ जानते हो। तुम्हारे मस्तिष्क पटल पर आज भी राजा विश्वजीत की याद अंकित है, तभी तुम बात करते करते विश्वजीत बन गए थे। यह सुनकर निखिल उत्तेजित सा नजर आया। उसे चुप देख टोनी बोला, अब खजाने के इन बक्सों का क्या करना है? हाँ, अचानक कुछ याद करके, यह खजाना 7 जन्मों तक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। निखिल चौंक कर भयभीत हो उठा। अगले पल वह चीख उठा, नहीं, मैं इस खजाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, हम इसे सरकार के सुपुर्द कर देंगे टोनी। क्या? उधर टोनी कुछ और ही सोच रहा था। बेवकूफ, पिछले जन्म में भी खजाने से हाथ धो बैठा था और इस जन्म में भी धोना चाहता है। सरकार के सुपुर्द करके हमें क्या मिलेगा? यह खजाना मैं प्राप्त करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे। मन ही मन वह निश्चय करने के पश्चात, सुनो दीना, जरा अपनी कुदाल देना। कुदाल का तुम क्या करोगे, जानना चाहते हो? यह देखो। उफ, आह, नहीं, यह तुमने क्या किया बेवकूफ, चारों मजदूरों को जान से मार डाला। हाँ, ये चारों दैनिक मजदूर थे, हम इनकी लाशों को यहीं कहीं दफना देंगे, किसी को कानों कान इनकी हत्या की खबर नहीं होगी, और यह खजाना हम आपस में बांट लेंगे। इनकार की सूरत में मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगा। नहीं, यह खजाना केवल सरकार के सुपुर्द करूंगा मैं। उसे दूसरी कुदाल पर झपटते देख टोनी पागलों के समान उस पर टूट पड़ा। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा कमबख्त। दोनों की कुदालें बिजली की चमक के साथ एक दूसरे से टकराई। निखिल ने इसी के साथ पांव की ठोकर भी टोनी के पेट में जड़ दी। आह, टोनी चीख पड़ा। अगले ही पल दोनों पुनः पागल सांडों के समान एक दूसरे के सामने खड़े थे। मेरा कहना मान ले निखिल,
वरना आज हम दोनों में से तू वापस नहीं लौटेगा। अगले ही पल दोनों के कुदाल आपस में टकरा कर नीचे गिर पड़े। ओह उफ, दूसरे ही पल भयानक भाव से टोनी ने निखिल पर छलांग लगा दी। तू जिंदा रहेगा तो मैं कभी खजाना नहीं पा सकूंगा कुत्ते। टोनी से बचने के लिए निखिल एक तरफ कूद गया और जमीन पर गिरते ही टोनी के मुंह से भयानक चीख सी निकल गई। आह, तड़पता हुआ जब टोनी उठकर खड़ा हुआ तो निखिल बुरी तरह से उछल पड़ा। अरे, यह त्रिशूल तो वही है जिससे मणि बाबा की हत्या हुई थी। आह, इसका मतलब कि मणि बाबा का कंकाल भी यहीं कहीं पत्थरों में दफन होगा। मैं उसे ढूंढूंगा। फिर वह पागलों के समान उस स्थान पर पहुंचा और कंकाल की तलाश करता हुआ चीख चीख कर कहता चला गया, मैं तुम्हारा विधिवत संस्कार करूंगा मणि बाबा। पिछले जन्म में मुझसे जो पाप हुआ था शायद उसका कुछ प्रायश्चित कर सकूं। लेकिन तब तक टोनी अपना काम कर चुका था। तू भी नहीं बचेगा। आह ओह, और तभी एक आवाज़ उसे अपने कानों में गूंजती महसूस हुई। राजा विश्वजीत, तेरे इस जन्म की अच्छाइयों के कारण मैं तेरे 5 जन्मों की मृत्यु का शाप वापस लेता हूँ। और इतना सुनने के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यह थी राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।